आपका स्वागत है, मैं हूँ प्रिया धीर। रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मेट्रो से की यात्रा। लखनऊ में 19 फरवरी से शुरू होगा ग्लोबल इन्वेस्ट समिट, पीएम मोदी होंगे मुख्य अतिथि। राज्यसभा में बोले प्रधानमंत्री, बाबा साहब ना होते तो शायद आरक्षण ना मिलता, नेहरू ने किया था आरक्षण का विरोध। राज्यसभा में बोले पीएम मोदी, इस बार 40 सीटें पार नहीं कर पाएगी कांग्रेस। एमपी के हरदा में जारी है कूलिंग का काम, अब तक 11 लोगों की हुई मौत। एमपी के हरदा की घटना के बाद कई जिलों में अलर्ट, प्रशासन की टीम ने पटाखा गोदामों में किया निरीक्षण। ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे केजरीवाल, एजेंसी की याचिका पर कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। प्रयागराज ज्ञानवापी मामले में 12 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। महाराष्ट्र में बीजेपी और राज ठाकरे की एमएनएस में गठबंधन के लिए बातचीत। एनडीए में जाने की अटकलों पर बोले सपा प्रमुख अखिलेश, किसानों की लड़ाई कमजोर नहीं होने देंगे जया। इसी के फैसले पर अजीत पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की कैविएट, मुंबई स्थित मुख्यालय पर किया दावा। यूसीसी पर उत्तराखंड विधानसभा में बहस जारी, कल पेश हुआ था बिल। उत्तराखंड में कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। बिहार में फ्लोर टेस्ट के एक दिन पहले हैदराबाद से पटना आ सकते हैं कांग्रेस विधायक। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज इंडिया से।